हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज मैं बनाने जा रही हूँ रमजान के स्पेशल एक और रेसिपी, तो जो कि है ब्रेड पकौड़ा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़े से आलू लिए थे, उनको बॉईल कर लिया और उसके बाद उनका छिलका उतार कर इस तरीके से उन्हें फोक की हेल्प से मैश कर लेंगे। थोड़े बड़े टुकड़ों में ही हमें इसको मैश करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है क्योंकि थोड़े चंक्स ही अच्छे लगते हैं ब्रेड पकौड़ा में। और मैश होने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून चाट मसाला, अमचूर पाउडर और थोड़ी सी क्रश करके मिंट लीव्स, एक ड्राई थी। आप चाहें तो उसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड स्लाइसेस लिए थे और उन पर अप्लाई कर रही थी मैं ग्रीन चटनी, ये मेरी होममेड थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ब्रेड पर अच्छी तरीके से स्प्रेड करनी है हमें ये पोटैटो स्टफिंग जो हमने बनाई थी, और दूसरे ब्रेड स्लाइस पर भी लगानी है ग्रीन चटनी और इसको अच्छे से प्रेस कर देना ताकि ये पेस्ट हो जाए। तो उसके बाद हमें रेडी कर लेना है बेसन। तो बेसन में मैंने डाला है अजवाइन क्रश करके, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला इसको डालना है। और फिर पानी डालकर इसकी एक पतला सा पेस्ट बनाना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, लंप फ्री बनाना है बैटर हमें। और उसके बाद मैंने इनको पीसेस को बीच से कट कर लिया था, आप चाहें तो एलईडी ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप इसको नॉर्मल इस तरीके से भी खा सकते हैं, तब भी बहुत टेस्टी लगेंगे। तो डिप करने के बाद मैंने डाल दिया था कढ़ाई के अंदर और इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो इसको डबल फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अपना काम ईजी करने के लिए इसको एक ही बार में फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पर मेरे ब्रेड पकौड़ा फ्राई होकर रेडी हो चुके थे, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।